ओके. तो नेक्स्ट मेथड इज़ अ नेचुरल मेथड, ओके, विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ ट्रेडिशनल मेथड. व्हाई इट इज़ नोन एज अ ट्रेडिशनल मेथड? बिकॉज इट इंक्लूड द अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम, अवॉइड चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग. ओके, दिस मीटिंग विल बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पीरियोडिक एब्सेंसीनेस, ड्यूरिंग द एब्सेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग द लैक्टेशन अमीनोराइजेस पीरियड. ओके, फर्स्टली तो दीज आर द ओल्ड मैथड. ओके, इसको क्या कहते हैं, ओल्ड मैथड है, ट्रेडिशनल है तो ओल्ड रहेगा हमारा. ओल्ड के साथ साथ बेटा इसमें जो मीटिंग अवॉइड कराई जा रही है, स्पर्म और ओवम की जो मीटिंग अवॉइड कराई जा रही है, वो आपकी विल, आपकी डिज़ायर पर डिपेंड करती है. डिज़ायर या आपकी जो विल पावर है उस पर डिपेंड करती है. इफ़ यू वॉन्ट टू नॉट कंसीव एनी चाइल्ड, तो यू कैन यूज़ दिस ट्रेडिशनल मेथड. इट इज़ अ वन ऑफ द मेथड बाय विच यू कैन प्रिवेंट अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी. ओके, तो so we can say that the main principle of these method is to avoid the chance of ovum and sperm meeting. okay, chance of ovum or sperm meeting ki chance ko avoid karna hai. okay, there is a many sub method jo is method ke andar aate hain, aur wo methods hai hamare. jo pehla method aata hai iske andar wo aata hai aapka periodic absences. okay, periodic एब्सेंसीज. अब ना क्वेश्चन इज दैट मैम क्या होता है पीरियोडिक एब्सेंसी? अच्छा, सबको पता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उस साइकिल का डे फर्स्ट टू फिफ्थ डेज तक हमारा मेंस्ट्रुएशंस रहता है. फीमेल्स की बॉडी में डे फर्स्ट से डे फिफ्थ तक मेंस्ट्रुएशंस होता है, तो उस दौरान तो चांस ही नहीं है प्रेग्नेंट हो पाओ. ओके, कि ओव्यूलेशन मोस्टली हमें पता है गाइस कि जो डे फोर्टीन्थ है इट इज़ वेरी चांसेबल डे कि जहाँ पे ओव्यूलेशन रिलीज ओव्यूलेशन होना ही है. ओके, ओके, सो दीज आर द मेंस्ट्रुअल डे जिसमें हमारा मेंस्ट्रुएशन होता है, और दीज आर द डे वेयर द ओव्यूलेशन चांस ऑफ ओव्यूलेशन इज दैट. ओके, इसमें मोस्टली चांस ओव्यूलेशन की इस डेज के दौरान होता है. विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक एब्सेंसेस कपल अवॉइड और एब्सटेंस देयर कोइटस फ्रॉम द डे ऑफ 10th to 17th. ओके, आप कह सकते हो 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16 to 17 ये जो डेज हैं आपके, ये रिस्कफुल डेज होते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग दीज डेज देयर इज अ चांस ऑफ ओव्यूलेशन. इन डेज के दौरान चांस होता है ओव्यूलेशन के होने के. ओके, इज द एक्सपेक्टेड डेज ऑफ ओव्यूलेशन, या आप कह सकते हो एक्सपेक्टेड डेज. ओके, तो वी कैन से दैट द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड. ओके, हाई फर्टिलाइजेशन डेज. ओके, ये क्या है हमारे हाई फर्टिलाइजेशन डेज हैं, जहाँ पे चांसेस हैं कि यस आप इन डेज में अगर कोइटस करते हो, इन डेज में आप इंटीमेट होते हो, तो यस देयर इज अ चांस कि यू कैन कंसीव अ बेबी. ओके, और इट इज़ वेरी अ फर्टाइल डेज. इनको क्या कहा जाता है बेटा, फर्टाइल डेज कहा जाता है. ये डे टेंथ से 17 तक का जो डे पीरियड होता है, इट इज़ अ वेरी फर्टाइल पीरियड, बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर इज़ अ चांस टू गेट प्रेग्नेंट. ओके, सो इफ यू नॉट वॉन्ट एनी बेबी, तो यू हैव टू अटेन दी पीरियोडिक एब्सेंसीनेस. क्लियर हो रहा है? तो दी ज़्यादा पीरियोडिक एब्सेंसेंस. ओके, इसके रहता एक और मेथड होता है जो हमारे नेचुरल मेथड्स में आता है, विच इज़ नोन एज द विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टेड मेथड. ओके, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द नेचुरल मैथड, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टेड मैथड, इन विच द मेल पार्टनर. ओके, जो मेल पार्टनर होते हैं, मेल
partner withdraw their penis. Withdraw his penis. Penis from the vagina of their partner. Partner just before the ejaculations. So to avoid the insemination, इसके through आप क्या avoid कर सकते हो? Avoid insemination. Clear हो रहा है? It is also a method by which जो male partner होता है he can withdraw his penis from the vaginal portion of woman before the ejaculation. Ejaculation is a period by which male release their sperm inside the vaginal portion. So if they ejaculate their penis before the insemination, okay, he can avoid the insemination, okay. तो ये method बहुत best नहीं है बेटा, ये method कोई best नहीं है क्योंकि ejaculation के time period पे जो sexual डिज़ायर होती है वो काफ़ी ही हाई पीक पॉइंट पर होती है, तो उस वक्त इजैक्यूलेशन को रोक पाना और इजैक्यूलेशन से पहले जो यूरिन है या आपने जो उससे पहले जो इजैक्यूलेशन किया होगा उसका कुछ पार्ट उसके सीमन का या यूरिन के साथ भी सीमन का कुछ पार्ट बॉडी से बाहर आता है तो वो उस वक्त उस पेनिस के हेड में या पेनिस की बॉडी पर रहता ही है. तो आप इजैक्यूलेशन के इस इजैक्यूलेशन विड्रॉल मेथड से 100% श्योर नहीं होते हो बेबी आप कंसीव नहीं कर सकते क्योंकि ये 100% बेस्ट मेथड नहीं होता. क्लियर हो रहा है? तो दीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द नेचुरल मेथड.